तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। सीएम विष्णुदेव साय, दो डिप्टी सीएम समेत 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां भी शुरू हो गई है। राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाना है। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। जगह जगह बैरिकेडिंग की जाएगी। आगामी 13 दिसंबर को कड़ी सुरक्षा के बीच शपथ ग्रहण समारोह होगा। पुलिस प्रशासन व्यवस्था बनाने में जुट गया है। शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम यहां पर आयोजित होना है और हमारे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी पर जनता ने भरोसा जताया है, उसके अनुसार आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी यहाँ पर शपथ ग्रहण करेंगे साइंस कॉलेज ग्राउंड पर। और इसकी भव्य तैयारियाँ की जा रही हैं और 50,000 से अधिक लोगों के यहाँ पर उपस्थित होने का अनुमान है। और हम इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी और अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, हमारे प्रभारी ओम माथुर जी, मनसुख मांडिया जी, नितिन नवीन जी जैसे सभी प्रमुख लोगों को यहाँ पर निवेदन किया गया है। अभी कन्फर्मेशन आना बाकी है और जल्द से जल्द शपथ ग्रहण समारोह के लिए सारी तैयारियाँ की जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी अभी जारी है और इसमें जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन आएगा उसके अनुरूप हम लोग तारीख और समय का घोषणा करेंगे। अभी हम लोग लगभग यहाँ पे जो आवश्यक, क्योंकि वीआईपीस के भी मूवमेंट की संभावना है, तो हम लोग उसके लिए भी आवश्यक सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैयारी रखे हैं और यह अनुमान है कि जो भी आवश्यक मापदंड है उसके अनुरूप हम यहाँ पे तैयारी रखें। रिसेंटली इसमें हम लोग 3 लेयर का सिक्योरिटी सिस्टम अभी बनाए हैं और इसमें जो भी प्रोटेक्टिव अगर आते हैं कोई भी, तो उनके हिसाब से भी आवश्यक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त बंदोबस्त किए जा रहे हैं। साइंस कॉलेज ग्राउंड में परसों शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना है, तो एक भव्य समारोह होगा। बहुत बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होंगे, बड़ी संख्या में बड़े वीआईपी इसमें शामिल होंगे, तो उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जा रहे हैं। लगभग 1000 के आसपास का बल और अधिकारी यहाँ पर तैनात रहेंगे और लोगों के आने जाने के लिए अधिक से अधिक सुविधाजनक स्थिति रहे, उनके रूट निर्धारित करके मीडिया में दे दिए जाएंगे ताकि लोगों को आने से पहले रूट और उनकी पार्किंग के बारे में जानकारी रहे, तो अच्छी बंदोबस्त किया जाएगा ताकि समारोह का अच्छे से आयोजन। फिर में रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे, शहर में एक जनरल विजिल रहेगा, चेकिंग इत्यादि प्रारंभ कर दी गई है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन ऐसा सच नहीं रहेगा। चूँकि कार्यक्रम जहाँ पे आयोजित हो रहा है यहाँ पे आसपास पे, उस समय क्राउड बहुत रहेगी तो थोड़ा कंजेशन हो सकता है, तो वो रहेगा, बट उसको भी हमारे